हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री एच में। आज हम जानेंगे कि दुनिया में सबसे ताकतवर सैन्य किसकी है और भारत का स्थान किस नंबर पर आता है। टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ दुनिया काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रही है। हर एक देश दुनिया में अपना रुतबा कायम करने के साथ साथ शक्तिशाली देश के रूप में उभरने में लगा है, पर किसी देश की सामरिक या सैन्य शक्ति का सामान्य रूप से आकलन करना इतना आसान नहीं है। फिर भी देशों की कुछ खासियतों को नज़र में रखकर उसकी तुलना की जा सकती है। तो आज हम आपको दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें नंबर एक पर आती है अमेरिका की सेना। दुनिया की सबसे ताकतवर अमेरिका की सेनाओं को माना गया है। अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति पर अन्य देशों की तुलना में $612 बिलियन खर्च करता है। उसके पास अत्याधुनिक हथियार के साथ 2130 क्रूज मिसाइल, 450 बैलिस्टिक मिसाइल और 19 विमान वाहक है, जो हवा से हवा में वार करने में सक्षम है। अपने अत्याधुनिक हथियारों और मजबूत जहाजी बेड़े के कारण यह विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रशिक्षित विशिष्ट सैनिकों की बड़ी फौज है, जो किसी भी देश पर पूरी ताकत से हमला कर सकती है। तो यह दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। नंबर दो स्थान आता है रूस का। दूसरे नंबर पर रूस की सेना है। सोवियत संघ के विखंडन के तकरीबन 2 दशकों बाद इस देश ने फिर से अपनी सेना को मजबूत कर लिया है। उसने अपने सैन्य बजट में 44% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी की है। इस समय रूस के पास 7,66,000 सक्रिय सैनिक, 24,85,000 प्रशिक्षक सैनिक रिजर्व और 15,500 से ज़्यादा टैंकों की दुनिया की सबसे बड़ी टैंक की सेना है। तीसरे स्थान पर आता है चीन। चीन की सेना दुनिया में तीसरे नंबर पर है। चीन का सैन्य बजट मौजूदा समय में करीब $126 बिलियन है। इस समय चीन के पास 22,85,000 की सक्रिय सेना और 23,00,000 सैनिक रिजर्व में है। हाल ही में उसने अपनी सेना में F-35 फाइटर प्लेन शामिल किए हैं। नंबर चौथा स्थान आता है भारत का। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना इस क्रम में पीछे नहीं है। भारत इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है, बावजूद इसके कि भारत अपने बजट का काफ़ी छोटा हिस्सा, महज $46 बिलियन ही अपनी सेना पर खर्च करता है। उसकी सैन्य क्षमता को कम करके आंकना सही नहीं है। देश ने अपना अधिकतर बजट आधुनिक तकनीक को हासिल करने में खर्च किया है। भारत के पास इस समय बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा है, जो पड़ोसी दुश्मन देशों पाकिस्तान और चीन के किसी भी शहर को निशाना बनाने में सक्षम है। नंबर पाँच पर आता है इंग्लैंड। बाकी देशों के विपरीत किसी समय में दुनिया की सबसे मजबूत सेना रखने वाला देश इंग्लैंड अब अपनी सैन्य शक्ति में लगातार कमी कर रहा है। उसकी योजना 2018 तक अपने सैन्य बजट को 20% तक कम करने की है। वर्तमान समय में उसका सैन्य बजट $54 बिलियन का है। वो दुनिया भर में लड़ाइयों की संभावित जगहों को देखते हुए 40 F-35 फाइटर प्लेनों का नया बेड़ा बनाने जा रहा है। साथ ही 4.5 एकड़ की लंबाई वाले एयरक्राफ्ट करियर को भी 2020 तक रॉयल नेवी में शामिल करने की योजना है। नंबर 6 है फ्रांस का। फ्रांस भी पिछले कुछ समय से सैन्य बजट में कमी कर रहा है। 2013 में उसने सैन्य क्षेत्र की नौकरियों में 13% की कमी की है। फ्रांस अपनी सेना पर कुल GDP का 1.9% ही खर्च करता है। फ्रांस का सैन्य खर्च नाटो में शामिल बाकी देशों के मुकाबले सबसे कम, कुल 43 बिलियन डॉलर है। इसके बावजूद फ्रांसीसी सेना दुनिया की सबसे व्यस्त सेनाओं में से एक है। फ्रांसीसी सैनिक मौजूदा समय में मध्य अफ्रीका देश, चार माली, सेनेगल जैसे अन्य संकटग्रस्त इलाकों में तैनात है। इसके बाद नंबर आता है जर्मनी का। जर्मनी अपने सैनिकों के ऊपर सुविधाओं और वेतन के मामले में दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्च करता है। जंग के खिलाफ जर्मनी के पास महज 1,00,000
83,000 सक्रिय और 1,45,000 रिजर्व सैनिक है। टेक्नोलॉजी और अन्य सैन्य शक्ति के मॉडर्नाइजेशन के लिए जर्मनी हर साल अपने सेना पर 45 बिलियन डॉलर खर्च करता है। इसके बाद स्थान आता है तुर्की का। तुर्की अपनी अर्थव्यवस्था के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्च सेना के ऊपर करता है। तुर्की का सेना पर खर्च कुल बजट का 18.2 बिलियन डॉलर है। इसके बाद आता है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की सेना संख्या में कम है लेकिन काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से ट्रेन और आधुनिक तकनीक से लैस है। दक्षिण कोरिया के पास दुनिया में छठा सबसे वायुसेना वाला बेड़ा है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के पास 3,346 टैंकों और 1,399 एयरक्राफ्ट है। इसके बाद स्थान आता है जापान का। जब इंग्लैंड और फ्रांस के विपरीत जापान पिछले 11 सालों में अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है। उसने अपने बाहरी जल क्षेत्र में मिलिट्री बेस बनाया है। जापान अपनी सेना के लिए हर साल 49.1 बिलियन डॉलर खर्च करता है। उसके पास 2,47,000 की सक्रिय सेना और 57,900 की रिजर्व सेना है। साथ ही 1,595 एयरक्राफ्ट के साथ जापानी सेना दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी वायु सेना है। उसकी नौसेना में 131 आधुनिक पोत शामिल हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि दुनिया में सबसे ताकतवर सेना किन किन देशों के पास है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।